400 पार, इन्होंने 400 पार तो किस लिए कहा किस लिए नहीं कहा भगवान जाने जी, लेकिन इनके नेताओं ने जो संविधान, इनका तो फैशन है बोलने का 100 पार 150 पार 200 पार ये तो बोलते ही है। अब तक इतना ही था, सबसे ज्यादा सीट किसी विधानसभा में भी 543 सीटें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो सबसे बड़ा इलेक्शन है, सबसे ज्यादा सीटें थी, तो इन्होंने सोचा 100 200 300 बोले ही है, इस बार 400 पार बोल देते, 400 तो कहीं है नहीं तो इस बार 400 पार बोल देते हैं, तो कब है। अब वो जो है वो 400 पार इतना इनके लिए मुश्किल हो गया जब इनके कुछ नेताओं ने कह दिया संविधान बदलना चाहते हैं या संशोधन कर देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, वो एक क्लास में तो बहुत अंदर तक बैठ गए, ठीक है, एक वर्ग के दिमाग में, खासकर एससी और एसटी के दिमाग में ये बात आ गई, क्योंकि देखो हिंदू धर्म से भगवान श्री राम से इस देश के दलितों और एसटीज को कुछ नहीं मिला, अगर मिला होता तो ये स्थिति नहीं आती, ठीक बात, तो उनको 370 से भी कुछ न मिला, उनको इस सब से कोई लेना देना, उनको जो कुछ मिला है वो बाबा साहब ने दिया है, उनका भगवान एक ही है, उनको ये लगा कि ओ भाई कहीं ऐसा तो नहीं ये सनातन ये हिंदू धर्म और ये 400 पार के बाद फिर वही दास्ता की बीड़ियों की जंजीरें, ये नैरेटिव गया है उसमें ऐसा, हाँ हाँ उसमें गलती विपक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष के ही लोगों ने कहा, उन्होंने खुद ही बोला उनके नेता, तो ये मैं नजदीक तक अंदर तक देखता हूँ ये बात का असर गया और इसने बीजेपी को कहीं ना कहीं इन वोटों में डेंट पहुंचाया।